ये सब क्या? ये क्या है? हमने पूछा ये सब क्या है? हम कुछ पूछ रहे हैं क्या है? इनसे क्या पूछ रही हो मैडम? हमसे पूछो, हम अच्छे से बताएंगे। तो हमने फुट पार्क में मसाले बेचने का भी फैसला किया है, पर उका है ना, मजदूर थोड़े से कम पड़ गए थे और आप लोग ऐसे ही घर पर पड़े रहते हैं, तो हमने सोचा कि मसाले आप लोगों से ही क्यों ना पिसवाए जाए। आप लोगों का मन भी लग जाएगा और हमारा खाम का काम भी हो जाएगा। तुम हम लोगों को मजदूर समझती हो? अरे नहीं नहीं, मजदूर तो बड़े काम के होते हैं, तुम तो निकम्मों की गिनती में आती हो। खैर ये सब छोड़ो और जरा थोड़ा सा काम कर लो, तुम्हारी बेरोजगारी घट जाएगी। जबरदस्ती की रोजगार मंत्री, रिटायरमेंट के उम्र में हम लोग को कौन सा रोजगार देने वाली हो? जरा सा अम्मा का सोची हो है? कि इस उम्र में चक्की चला के उनका क्या हाल होगा? अरे नहीं नहीं माँ जी, इतने भी निर्दय थोड़ी ना है। अरे घर में इतने जवान हट्टे कट्टे लोग रहते हैं, फिर हम आप लोग उनको कष्ट कैसे दे सकते हैं? अरे हम तो कृष्णा जी पायल और साक्षी भाभी को एक काम देने वाले। काश विक्रम भैया भी होते तो फटाफट काम हो जाता। खैर अब जो है उन्हीं को इतना अच्छा काम करने का सौभाग्य मिलेगा। चलिए अब फटाफट शुरू हो जाइए, ले जाओ इसे यहां से, हम ये घटिया काम कभी नहीं करेंगे। अच्छा हम भी देखते हैं कि तुम कैसे नहीं करोगे। What nonsense? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे कैदियों की तरह मसाला क्यों पीस रहे हो? अरे आइए आइए कृष्णा जी, आप ही का तो इंतजार था। चलिए अब आप भी लग जाइए काम पर। What? क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, मसाला है कृष्णा जी। वो कहा है ना कि अब हमारे नए व्यापार के लिए ये सब तो करना पड़ेगा। चलिए अब आप भी हाथ बटाइए इनका। हम आपके वार से घायल नहीं होंगे कृष्णा जी, कहे कि हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि आप हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं, इसलिए हम एकदम चौकन्ना हैं। खैर अब ये सब छोड़िए और अपनी नाजुक सी पायल की मदद कीजिए। तुम बहुत गलत कर रही हो बिंदिया। क्या गलत कर रहे हैं कृष्णा जी?
चलिए एक बात बताइए, आप लोग हमारे घर में रहते हैं तो किराया तो देना पड़ेगा, पर आप लोग उनके पास पैसे नहीं है तो कम से कम काम ही कर लीजिए। अब आप लोग काम कर लेंगे तो हम समझ लेंगे कि आप लोगों ने हमें किराया दे दिया। बहुत फुदक रही हो ना तुम, लेकिन याद रखना तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। किसना? किसना? नहीं बेटा, शांत रहना। अरे हम तुमसे बात करना चाह रहे हैं, तुम कुछ कम ऑन साक्षी भाभी, बिंदिया जब तक नशे में है ना, हमारे पास तब तक का ही टाइम है। यस यू आर राइट, चलते। पता नहीं कहां छुपा के रख दी उसने। कितना प्यार करती थी तुम हमसे, फिर ये अचानक इतनी नफरत कैसे हो गई? धोखेबाजों से नफरत ही की जाती है कृष्णा जी। हमने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया बिंदिया, तुम्हारे लिए हमारे मन में प्यार, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मुस्कुराहट एकदम सच्चा। फिर आपने हमें धक्का काय दिया। हम तुम्हें कभी धक्का दे सकते हैं क्या बिंदिया? अरे हम तो तुम्हें खरोच भी नहीं आने देते, लेकिन लेकिन तुमने हमें धोखा दे दिया। धोखा? नहीं कृष्णा जी, आपने हमें धोखा भी दिया है और धक्का भी। जो मर्जी हो जाए पर वो प्रॉपर्टी के पेपर हमारे हाथ में होने ही चाहिए। जल्दी ढूंढिए भाभी। तुमसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब उतनी ही नफरत करते हैं बिंदिया। हम भी आपसे जितना प्यार करते थे कृष्णा जी, उससे कई ज्यादा नफरत करते हैं। पता नहीं बिंदिया ने प्रॉपर्टी के पेपर्स कौन से पताल लोक में छुपा दिए। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा भाभी, हमें हमें किसी भी हालत में ना प्रॉपर्टी के पेपर्स तो ढूंढने ही होंगे। इतनी मेहनत करी फिर भी हाथ खाली। एक मिनट, मिल गए प्रॉपर्टी के पेपर्स, मिल गए पेपर्स। अब दिखा दे तुझे तेरी असली औकात बिंदिया।